हाँ ये ना एक तो प्रोम्प्ट नॉलेज होंगी है, प्रोम्प्ट होंगे सही नॉलेज अबाउट आ डाटा, मतलब कहने डायग्राम की करता, प्रोम्प्ट नॉलेज दिता डाटे की, ठीक है। ये की होंगे गा जोड़ा भी इनफ मतलब मतलब जो डायग्राम के थ्रू आप डाटे को प्रेजेंट करते हैं तो वह मतलब वो लुक बहुत मतलब वधिया लगती है। एक तरह का जो देखो डायग्राम का मतलब होंगे गा, डायग्राम जिम्मे फॉर एग्जाम्पल आह वाला आ डायग्राम, ठीक है, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ डाटे एक डायग्राम के नाल आप दिखा दें, इदा का डायग्राम होंगे, इन डायग्राम कहा जाता, ठीक है। ये की होंगे प्रोम्प्ट नॉलेज होंगी डाटे की, सिंपलसिटी तो क्लैरिटी, मतलब जो डायग्राम होंगे गा वो कि फॉर्म के होंगे गा, सिंपलसिटी होंगी है तो डाटा क्लीयर होंगे गा, ठीक है। नैक्सट है अट्रैक्टिव तो इंट्रस्टिंग, कहने डायग्राम की होना चाहिए, अट्रैक्टिव तो इंट्रस्टिंग टैक्नीक्स होंगी डाटा प्रेजेंट कर, ठीक है, मतलब एक पिक्चर के आप किन्ने वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड, फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन कर सकते हैं डाटे आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आप कंपैरिजन मेड ईजली होंगे गा, ठीक है, रिमैंबर रखना ईजी है, हम जिमें न्यूमेरिकल फैक्ट और कंपलैक्स से कन्फ्यूजिंग होंगे ने, ठीक है, उन्होंने आप रिमैंबर नहीं रख सकते, बट डायग्राम आ जोड़ा वो जो डाटे फैक्ट को प्रेजेंट करते हैं वो ईजी अपन रिमैंबर रह जाते हैं। ब्रेविटी होंगी है डाटे प्रिसाइज मैनर से प्रेजेंट किया जाता गा, जिमें लार्ज मास ऑफ डाटे अफेक्टिव मतलब अफेक्टिव वे ना आप समॉल डायग्राम के प्रेजेंट कर दें, लार्ज नंबर ऑफ डाटे एक अफेक्टिव मैनर के प्रेजेंट करते हैं समॉल डायग्राम के, ठीक है, ये यूटिलिटी इनक्रीज होंगी डाटे की, कॉस्ट अफेक्टिव मतलब कॉस्ट नहीं लगती इन्नी ज़्यादा, कॉस्ट अफेक्टिव होंगे गा, जिमें हम कहते एक इन्वेस्टिगेटर आ लॉट ऑफ टाइम एफर्ट्स एंड मनी ऑफ इन्वेस्टिगेट सेव, एक इन्वेस्टिगेटर की लॉट ऑफ मनी एंड टाइम सेव होंगे गा क्योंकि ये कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती, ठीक है। नैक्सट हैगा गा प्रैक्टिकल यूजनेस, ये होंगे ये डाटे प्रैक्टिकल टैक्नीक्स के मतलब दिखाया जाता, इस करके प्रैक्टिकल कहा जाता गा। हुण किहड़े किहड़े रूल ने, किहड़ियां किहड़ियां गाइडलाइनस ने ड्रॉ करने लई, जदों आपां डायग्राम बनाउंदे आ तां किहड़े किहड़े रूल्स हुंदे आ, पहला सूटेबल टाइटल, कहिंदे इक टाइटल होना जरूरी है, ठीक है, टाइटल सिंपल होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, टाइटल टॉप ऑफ ते भी हो सकता, बलो ते भी हो सकता गा। नैक्सट चॉइस ऑफ प्रोपर स्केल, ये टू एक्सिस हुंदियां ने, एक तो होरीजेंटल एक्सिस जिन्हों एक्स एक्सिस भी कहा जाता गा, एक वर्टिकलर एक्सिस उन्होंने वाई एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है, ये दोनों मतलब एक्सिस का होना जरूरी है, केयरफुली बनानी चाहिए गा, जिद डाटा बहुत मतलब प्रोपर वे ना वधिया लगता गा, ठीक है। प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए हाइट के बिरथ में, लंबाई तो जी होंगी वो प्रोपर पूरी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, इंडैक्स जोड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये सब पार्ट होंगे ने डायग्राम के, डिफरेंट कलर होने चाहिए, शेड्स दे सकते हैं आप डायग्राम्स, ठीक है, सिंपल होना चाहिए जोड़ा भी डायग्राम आ, ठीक है, उस तो बाद नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अट्रैक्टिव तो इंट्रस्टिंग, जो डायग्राम कहते हैं अट्रैक्टिव होना चाहिए, देखने कलर वगैरह शेड डिजाइन वधिया प्रोपर वे बनानी चाहिए ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे, साइज वह ना वाला लार्ज होना चाहिए ना समॉल होना चाहिए, मतलब लाइज मतलब साइज जरा सिंपल जहा होना चाहिए। एप्रोप्रिएट टाइप्स, चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप, कहने जोड़ा डायग्राम आंधा गा, एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ डायग्राम शुड बी मेड। रैफरेंस नंबर, डायग्राम के रैफरेंस नंबर देना चाहिए गा, ठीक है, फुटनोट्स जिमें कि आप टेबल के नीचे फुटनोट देंगे ये भी फुटनेट होना चाहिए, बिलो द डायग्राम, डायग्राम के नीचे एक कहते कि होना चाहिए गा, फुटनोट होना चाहिए, सोर्स रैफरेंस किहड़े सोर्स तो डाटा कलैक्ट किया, जिमें बेटा जिदा टेबल दियाँ ला इंपोर्टेंस ने, ठीक है, उदा ही यदि इंपोर्टेंट्स ने, जिमें आप टेबल गाइडलाइनस दसिया से किमें किमें बनता गा उवें ही बनता गा, ठीक है। फुटनोट सोर्स रैफरेंस होनी चाहिए जितों जितों आप डाटा कलैक्ट किया, क्लीयर है, दो क्वेश्चन हो गए थोड़ी इंपोर्टेंट्स के रूल्स, ओके, थैंक यू।